बिहार के समस्तीपुर के लाल अमरजीत जयकर कैसे रातों रात सोशल मीडिया पर स्टार बन गए, उसी की कहानी दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। सर कहते हैं ना कि जिस जगह पर आपको ठुकराया जाता है वहीं पर आपको स्वीकार भी किया जाता है, और उसका जीता जागता उदाहरण है अमित जयकर, जो बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। और रातों रात इस लड़के का वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी तेज से वायरल होता है कि मुंबई में बैठे तमाम बड़े बड़े दिग्गज सिंगरों के होश उड़ जाते हैं। और यही कारण है कि इंडियन आइडल ने अमित जयकर को ठुकराया था, उसी इंडियन आइडल ने अमित जयकर को एक बार फिर से अपनाया। और ड्यू टू ओनली वन रीजन, एक ही कारण है कि सोशल मीडिया। इस सोशल मीडिया ने सर उन सबको एक बार मौका जरूर दिया जिनके अंदर प्रतिभा है, चाहे वो रानू मंडल हो या कच्चा बादाम गाने वाले चाचा हो या बचपन का प्यार गाने वाले सहदेव क्यों ना हो। और यही कारण है कि अमित जयकर ने अपनी प्रतिभा को तराशने का काम निरंतर किया। इसी इंडियन आइडल पर एक बार जो है ऑडिशन सेक्शन में ही अमरजीत जयकर को रिजेक्ट किया गया था। लेकिन समय यूं परिवर्तित तो हुआ कि बॉलीवुड के रियल कलाकार सोनू सूद के अथक प्रयासों से अमित जयकर को एक नया मुकाम मिला और इंडियन आइडल ने उन पर उनसे एक गाना गवाया। और उसी ऑडिशन में बैठे, उसी कार्यक्रम में बैठे जो है हिमेश रेशमिया, जो एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपना एक गाना उनसे गवाया और जो अभी ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। समस्तीपुर से निकलकर बिहार का एक लड़का मुंबई पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, हवाई चप्पल पहनकर अमित जयकर जो है इंडियन आइडल के सीजन में पहुंचते हैं और वहां पर उनका सिलेक्शन होता है। इसी इंडियन आइडल में एक बार इनका रिजेक्शन हुआ था लेकिन इस बार इनका सिलेक्शन हो गया। कहे कि इस बार सोशल मीडिया ने जो है इनको खूब मौका दिया और अमित जयकर ने खूब वाह वाह लूटी। लेकिन गरीब का एक लड़का, मजदूर किसान का एक लड़का कैसे मुंबई पहुंचा, उसकी कहानी दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। कहते हैं प्रतिभा, हुनर और इसके बाद हौसला है तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। और यही कारण है कि प्रतिभा, हुनर और हौसला के दम पर अमित जयकर मुंबई पहुंचे, वो भी हवाई चप्पल पहनकर। सबसे पहले क्या घटना घटित होती है उसको आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। अमित जयकर जो है ब्रश करते हुए एक गाना गाते हैं और वो गाना रातों रात सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो जाता है। इसके बाद बॉलीवुड के रियल कलाकार कहे जाने वाले सोनू सूद सर के सहित बॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े कलाकारों ने उस गाने की इतनी प्रशंसा की कि अमरजीत जयकर को एक नया मंच मिल गया। जी हाँ, आज के कुछ महीना पहले मैंने भी अमरजीत जयकर का एक इंटरव्यू किया था पटना के गांधी मैदान में, उसकी तस्वीर ये है। और मैंने उस दिन कहा था कि बिहार का ये लड़का जो है प्रतिभा का धनी है, अगर इसकी टैलेंट को परखा जाए, जांचा जाए और इसके टैलेंट को आगे बढ़ाया जाए तो सच में ये बॉलीवुड में जाकर बहुत सारा नाम कमा सकता है। और मेरी कही हुई भविष्यवाणी उस दिन सच निकली। और अमरजीत जयकर का जब मैंने इंटरव्यू किया उसके कुछ ही महीनों बाद जो है ये गाना वायरल हुआ और इतना वायरल हुआ कि बॉलीवुड तक जो है कहीं ना कहीं खबर पहुंच गई। और इसी यही कारण है कि हिमेश रेशमिया ने एक गाना जो है इनको दे दिया गाने के लिए। और वो जो गाना इन्होंने गाया उस गाने के बोल हैं तेरी आशिकी ने मुझने मारा 2.0। और वो गाना 24 घंटे के अंदर 147,00,000 लाइक्स के साथ म्यूजिक सेक्शन में ऑल ओवर इंडिया 13 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। सर ये होती है प्रतिभा। और कहते हैं ना कि प्रतिभा किसी जो है परिचय की मोहताज नहीं होती है। और यही कारण है कि अमित जयकर की प्रतिभा ने रंग दिखाया और इसके बाद जो है इनके रंग की चर्चा पूरे देश में होने लगी। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू हमने किया अक्टूबर 2022 में। इसके बाद इनका एक गाना सोशल मीडिया पर वायरल होता है। बॉलीवुड के रियल कलाकार कहे जाने वाले, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद उस वीडियो को रिट्वीट करते हुए अमित जयकर को मुंबई बुलाते हैं और उनके साथ बैठकर, अपनी टीम के साथ बैठकर चर्चा करते हैं। और जब चर्चा होती है सर तो वहां चर्चा बहुत ही बड़े स्तर की होती है। देख लीजिए, यहां पर बॉलीवुड के रियल कलाकार सोनू सूद सर हैं, इधर अमरजीत हैं और इधर उनकी टीम के बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ बैठकर यहां पर गुप्तगू हो रही है कि बिहार के इस लाल की प्रतिभा को आगे कैसे बढ़ाया जाए। सोनू सूद के साथ एक तस्वीर वायरल होती है और मुंबई में ये लड़का रहकर नाम कमाने लगता है। अब सोनू सूद सर का एक फिल्म आ रहा है जिसका नाम है फतेह,
और फतेह में इन्होंने एक गाना गाया है, उस फतेह मूवी में एक गाना गाया है फतेह मूवी में, और फतेह मूवी से ही इनकी फतेह की शुरुआत हुई। और सोनू सूद सर के जो है बदौलत ये लड़का आज बहुत आगे निकल गया है, जो है अक्रॉस टू 2 मिलियन गाना ये जो है जो हिमेश रेशमिया ने गवाया, कहां पर ये देखिए अपने स्टूडियो में हिमेश रेशमिया है, अमरजीत जयकर है, और 24 घंटे के अंदर 2 मिलियन व्यूज इस गाने के जो है ऑल ओवर इंडिया हो गया, और 13वें नंबर पर ये गाना ट्रेंड कर रहा है। सर वही मैं कहता हूं कि परिचय किसी जो है प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती है। अमित जयकर की कहानी मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था आपको, इससे पहले भी अमित जयकर बहुत स्ट्रगल करते थे, दिन भर इधर उधर भटकते थे और सोचते थे कि किस तरीके से मेरा गाना वायरल हो जाए। अमित जयकर के दादा और पिताजी नाई का काम करते थे, क्या काम करते थे जो है नाई का, और जब ये बात उन्होंने बड़े इमोशनल में आकर बोली कि मेरे दादाजी और पिताजी नाई का काम करते हैं और मैं वेटर का काम करता हूं, क्यों करता हूं, क्योंकि मंच पर मैं जब जाऊंगा तो लोग मुझे जो है कहीं ना कहीं गाने के लिए मंच पर बुलाएंगे और हो सकता है कि उस दिन मेरी प्रतिभा को कोई परख ले। लेकिन प्रतिभा कहते हैं सर चढ़कर बोलती है, और यही कारण है कि अमरजीत जयकर की कहानी आज पूरे देश में वायरल हो रही है। जिस इंडियन आइडल ने उनको ठुकराया था, उसी इंडियन आइडल के स्टेज पर जो है उसी मंच पर उसी शो पर अमरजीत धमाल मचा देते हैं, और इसके बाद अमरजीत के सक्सेस की कहानी शुरू होती है। हिमेश रेशमिया जो है एक गाना देते हैं, इंडिया सर जो है इन्होंने भी इनको ठुकराया था, बोले थे कि मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, बहुत आगे जाया था, ऐसा इन सर ने कहा था, नाम नहीं पता है मुझे, जहां तक उम्मीद आ रही है कि विशाल इनका नाम है सर का। तब अमरजीत ने यह बात बताई थी कि इन सर ने बोला था कि जो है भाई आप मेहनत कीजिए, बहुत आगे जाइएगा, लेकिन मंच नहीं दिया था। लेकिन आज देखिए नहीं कि कला और प्रतिभा के दम पर ये सर भी आज ताली बजाने पर मजबूर है, ये सर भी ताली बजान रहे हैं, और ये मनोज मुंतशिर हैं जो खड़े होकर इस बच्चे की प्रतिभा को बढ़ा रहे हैं। बाकी ये कहानी इसलिए मैं दिखा रहा था कि मायने ये नहीं रखता है सर कि आप गांव से हैं या देहात से, मायने ये रखता है कि आपके अंदर कितनी बेहतर प्रतिभा, उस प्रतिभा को आप कितने अच्छे से आगे लेकर जाते हैं। ये कहानी बिहार के छोटे से गांव के रहने वाले अमित जयकर की है, जो रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और मुंबई पहुंचते हैं, और मुंबई पहुंचकर अपनी जो है बुलंदियों का झंडा गाड़ देते हैं। हिमेश रेशमिया इनसे भरे मंच पर, टेलीविजन पर, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने गाना गवाते हैं तेरी आस की, और उस गाने में भी अमित जयकर जो है पास हो जाते हैं, और इसके बाद फिर वो स्टूडियो पर पहुंचते हैं हिमेश रेशमिया के, और वहां पर एक गाना गाते हैं, और गाने का पोजीशन ये है कि हिमेश रेशमिया के ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट से रिलीज हुआ गाना 13 जो है नंबर पर ट्रेंड कर रहा है म्यूजिक सेक्शन में पूरे देश में। तो ये है प्रतिभा जो है, और इस प्रतिभा को न दबाया जा सकता है न छुपाया जा सकता है।